Co-powered by Techno. संजय संजय राणा के पास चलूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि समाजवादी पार्टी ने मुख्तार अंसारी की अस्पताल में जो मृत्यु हुई उस पर भी सवाल उठाया और कहा जहर दे दिया, कुछ इनका कुछ कर दिया, बोले जी निपटा दिया मुख्तार को, मार दिया मुख्तार को। इधर मुख्तार के मरने खबर आई, उधर सपान घोषित कर दिया कि भाई मारा गया है, हत्या है। उसकी जांच पड़ताल हुई वैज्ञानिक आधार पर, अशोक भाई जांच पड़ताल में जो आया वो सार्वजनिक हो गई रिपोर्ट। क्या अब सपा नहीं बोल रही, माफी भी नहीं मांग रही कि भाई हमें गलत जांच पड़ताल हमने की थी। तो जो भी लोग सपा में जांच पड़ताल फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, अपराध एक्सपर्ट हैं, उनको बदलिए, उनके रिजल्ट ठीक नहीं आ रहे। लाइव अल्ल वल्ल कुछ ना कुछ चल रहा, कैसे चलेगा। खैर संजय राणा, मसला वही, संविधान का उल्लंघन हो रहा है, संविधान की शपथ का उल्लंघन हो रहा है। मैं समझना ये चाह रहा हूं कि क्या संविधान में ऐसा कोई इम्बार्गो है, ऐसा कोई प्रतिबंध है कि सिक्योरिटी फोर्सेस पर अपराधी, आतंकी, गुंडे, डकैत, बदमाश हमला करें तो सिक्योरिटी फोर्स अपनी जेब में गुलाब का फूल रखेगी, इधर गोली से एक पुलिस वाला शहीद होगा, उधर अपराधी तुरंत गुलाब देंगे, कहें भैया ये गुलाब पकड़ो, दूसरे को भी मारो, सटाक गोली सटा सक। क्या क्या ऐसा कहीं संविधान में लिखा है? अमिताभ जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखिए ऐसा बड़ा आजकल एक डेढ़ साल से बड़ा दुर्भाग्य कह लीजिए, सारे विपक्षी दलों को एक ही शब्द, दो तीन शब्द है जो पूरी तरफ चल रहा है और चर्चा में है, बड़ा ट्रेंडिंग भी कर रहा है, संविधान संविधान, पीडीए, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक। ना इनको संविधान की स के ज्ञान है, ना इनको दलित का द आता है, ना इनको अल्पसंख्यक का अ आता है, लेकिन सबकी चर्चा करना इनको जरूरी है। देखिए ऐसा संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि अपराधी अपराध करेगा और आपको इसलिए इम्यूनिटी मिल जाएगी क्योंकि आप यादव लिखते हैं, आपको इसलिए इम्यूनिटी मिल जाएगी आप मोहम्मद सुलेमान लिखते हैं, इस पे इम्यूनिटी नहीं मिलती है। संविधान में लिखा है कि सबका साथ जो है, सबका विकास होना चाहिए और जो भी अपराधी है उस अपराध के अंतर्गत जो भी कार्रवाई होगी उसके अंतर्गत होनी चाहिए, जिस धारा के जो जैसा जुर्म किया उस धारा के अंतर्गत पुलिस कार्रवाई करती है। और मुठभेड़ जो पहले देखिए इनकाउंटर, मुठभेड़ में भी बड़ा मतभेद है, लोगों को अंग्रेजी में इनकाउंटर का मतलब ही नहीं पता, सोचते हैं इनकाउंटर मतलब गोली लेके ठेल देना, गोली लेके मार देना, अरे इनकाउंटर हमारा आपका भी हो सकता है, वार्तालाप का इनकाउंटर भी, तो शब्दों का घेर फेर है, ज्ञान बहुत कम है, ये बड़ी समस्या हो जा रही है। जहां तक बात हो रही थी कि ब्राह्मणों को मार दिया, राजपूतों को मार दिया, यादवों को मार दिया, इनसे पूछ रहा हूं बार बार, भाई आप नंबर बता दो, नंबर किसी के पास नहीं है, यादव मर गया, त्राही माम बचा हुआ था, सारे प्रवक्ता बैठ करके ट्विटर से लेके फेसबुक यूट्यूब में यादव यादव कर रहे थे, अरे भाई अपराधी यादव हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, किसी जाति धर्म का हो, उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी, करती आ रही है, प्रश्न चिन्ह उठाना इनकी आदत पड़ गई है, चाहे आतंकवादी को मार दीजिए। हमें तो कभी कभी डर लगने लगा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता या नेत्री कहीं ये बोल दी, वो बोल दे कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, तो ये पाकिस्तान जिंदाबाद बोल लेंगे क्योंकि उसको भारतीय जनता पार्टी ने मुर्दाबाद बोला। इनकी आंख कान और बुद्धि लगता है बंद हो चुकी है, इसमें बिल्कुल काम करना ही बंद हो गया है। अब बताइए आप एक यादव जी क्या आर्थिक मदद पहुंचाने अमिताभ जी पहुंच गए थे, क्या एक छत्री क्या पहुंचेंगे? अरे 8% छत्री भी तो है, आप क्या छत्रियों की राजनीति नहीं करते उत्तर प्रदेश में? क्या छत्री आपको वोट नहीं देता? क्या उसके घर जाएंगे, उसके परिवार से मिलेंगे? नहीं, अभी बोल रहे थे कि 2-3 मुकदमे हैं, उनके परिवार बोल रहा था। ये बताइए जितने आतंकवादी पकड़े गए हैं या मारे गए हैं किसी ने बोला है? आज तो किसी चोर ने बोला कोर्ट में जाके कि हमने चोरी की है, लेकिन उस पर कार्रवाई होती है, संज्ञान लिया जाता है और उस पर तथ्य रखे जाते हैं, कोर्ट उस पर जिनको साबित होता है उसको केस हो जाता है। लेकिन समस्या समाजवादी के साथ, क्या आपने एक बहुत अच्छा शब्द बोला है, मैं छोटी सी वाणी में खत्म करूंगा कि लगता है कहीं ना कहीं जो थिंक टैंक है उसमें थिंकनेस की कमी हो गई है, थिकनेस बढ़ चुकी है, तो थिंक टैंक को सोच नहीं पा रहा, उल जुलूल बात करने लगा, कभी सांड का फोटो डाल देते हैं, कभी टूटे हुए रोड का फोटो डाल देते हैं। अरे भाई प्रदेश की विपक्षी पार्टी है, आप अच्छे मुद्दों को घेरिए, जनता के मुद्दों को लेके आइए, उस पर चर्चा अमिताभ जी नहीं करेंगे, ये यादव पर चर्चा करेंगे या छत्री पर चर्चा करेंगे, ब्राह्मण कितने मारे गए, अरे
मुजलिम है, किसी से गोली मार रहा था, किसी से पूछा बलात्कारी, बलात्कारी भी जो निर्भया कांड हुआ था, किसी बलात्कारी ने बोला था मैंने बलात्कार किया, तो अजीब बात करने लगते हैं। कम से कम तथ्यात्मक बात करिए, आपसे अगर त्रुटि हो गई है क्षमा याचना कर लीजिए, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है संजय भाई, गलत नहीं करनी है जी। अशोक जी, एक प्रश्न खड़ा होता है कि भाई मान लीजिए किसी अपराध में एक ही जाति या एक ही मजहब के लोग संलिप्त हैं, ऐसा कोई घट जाए अपराध, ठीक हुए हैं ऐसे अपराध, खूब होते हैं, आप कहेंगे तो नाम भी ले देंगे, ठीक है, तो उनमें पुलिस से जब मुठभेड़ हो किस ऐसे कोई संयोग बने, तो स्वाभाविक है उसी जाति या उसी मजहब के लोग मारे जाएंगे, तो क्या 2-4-10 और दूसरी जात मजहब के पकड़ के मारना पड़ेगा कि नहीं तो आप नाराज हो जाएंगे? एक एक मेरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये कि जो कहा जाता है, आप भी कहते हैं, आप मतलब राजनीतिक लोग भी कहते हैं और जो मारा जाता है उसके परिवार वाले भी कहते हैं, ये बड़ा मौलिक प्रश्न है, ये कहीं चर्चा में आया नहीं, आना चाहिए। कहा जाता है कि बताओ भैया को मार दिया, भैया के ऊपर तो 3 केस मुकदमे थे कुल, मसला ये नहीं है 3, 23, 40 का। अशोक जी बुनियादी बात कह रहा हूं, आपके ऊपर जेब कतरी का मुकदमा है केवल, किसका? या छेड़खानी का? पुलिस आपके पीछे भागी, आपने पुलिस के ऊपर फायर झोंक दिया, तो पुलिस आप पर फायर झोंकेगी? आप उसके आ जाओगे, उसके घर वाले करे तो छेड़खानी वाले को मार दिया? नहीं दादा, रे दादा ऐसा नहीं है। अपराधी को पुलिस ने घेरा, पुलिस ने कहा सरेंडर करिए, अपराधी ने उसके बदले में गोली चलाना शुरू किया, बम फेंकना शुरू किया, तो मारा जाएगा उस वक्त? क्या ये छोड़ दिए सोच के छोड़ दिया जाए कि पूछ के कि भाई तेरे ऊपर कितने मुकदमे? बोले 3। बोले चल भाग जा, तू गोली चला ले कोई बात नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? बोले 30 वाले को मारेंगे, 3 वाले को नहीं, तुम हमारे 2-4 सिपाही निपटा दो, डोंट वरी, ऐसा बोल सकते हैं क्या अशोक जी? आपने कई सारे सवाल पूछे, दो सवाल पूछे, पहले साथियों ने भी कई सवाल उठाए, मैं आपका सवाल को सुन सकता हूं। देखिए आपने कहा कि अगर इसकी एक ही जाति के तमाम अपराधी अगर पुलिस के साथ इस तरह से मुठभेड़ करेंगे तो क्या बाहर के लोगों को मार दिया जाए? वो तो आपने काल्पनिक सवाल पूछा, लेकिन जो वास्तविक सवाल है वो सवाल सुल्तानपुर वाले मामले में देखा ना, जो मुख्य आरोपी था वो आराम से बिना हथकड़ी के आके सरेंडर किया कोर्ट में, सबने देखा। जो हकीकत है वो आप नहीं देखने को तैयार हो, जो काल्पनिक है उसमें जरूर जाएंगे आप। अच्छा दूसरी बात, हमारे संजय भाई ने कहा जो कि बिल्कुल विद्वान आदमी हैं और सर्वज्ञ हैं, चारों वेदों के रचयिता हैं, पूरा देश दुनिया के ज्ञान इन्हीं के अंदर भरा हुआ, बाकी सब लोग बेवकूफ बैठे हैं यहाँ पैनल पे। उन्होंने बहुत बातें कही कि साढ़ टूटे हुए रोड, अरे भैया अमिताभ जी आप अगर देखेंगे तो हर जिला में हर तहसील में कम से कम 50 से 100 आदमी इधर योगी जी के शासन में 7.5 सालों में ऐसा मिलेगा कि कम से कम 100-150-200 लोग या तो सांड के हमले से घायल हुए हैं या तो मारे गए हैं। ट्रामा सेंटर में जाके आप विजिट कर लीजिए, देख लीजिए, ये जन सरोकार से जुड़ा मुद्दा नहीं है। टूटी हुई सड़कें, पूरी पूरी गाड़ियां समाहित हो जा रही, ये जन सरोकार जुड़ा मुद्दा नहीं है। अच्छा दूसरी इनका पाकिस्तान मुर्दाबाद, अरे आपको तो आप लोगों को पाकिस्तान को तो जाके माल्यार्पण करना चाहिए, हर चुनाव में आप उसका नाम लेकर सरकार बना लेते हो। कोई भी चुनाव आता बिना पाकिस्तान के अगर एक चुनाव जीत के दिखाएं, मैं चैलेंज करता हूं, एक चुनाव बिना पाकिस्तान के भाजपा अगर जीत जाए तो मैं चुनौती दे रहा हूं। कोई चुनाव, चाहे छोटा चुनाव चाहे बड़ा चुनाव हो। अभी हमारे भाजपा के साथी ने कई सवाल चुकी, मैं अकेले हूं तो थोड़ा निवेदन है, बिल्कुल बिल्कुल पूरा 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 आपकी अभिव्यक्ति के आजादी के अधिकार का पूरा संरक्षण मैं करूंगा इस मंच पर जी। आपने भी कहा कि क्या संविधान में लिखा है कि ऐसा होता, संविधान तो भी नहीं लिखा है कि वाइस चांसलरों की नियुक्तियां करेंगे तो आप जाति देख के योगी जी, ऐसा नहीं लिखा है कि वाइस चांसलर बनेंगे तो फल 2-3 जातियों के लोग बनेंगे, बाकी पिछड़े दलित के लोग वाइस चांसलर बन ही नहीं सकते, संविधान में वर्णित लिखा हुआ है, ऐसा नहीं लिखा है। संविधान में भी नहीं लिखा है कि असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्तियां होंगी तो आप जाति देख के कर लोगे, संविधान में यह भी नहीं लिखा है कि औरतर या शिक्षक भर्ती में आप पीडीए के आरक्षण का लूट करोगे, तो संविधान में तो ये सब चीजें भी नहीं लिखी हैं, लेकिन सरकार डंडे की चोट पे कर रही है। और हमारे पत्रकार आनंद बाबू आ रहे हैं, अशोक बाबू बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात आपने कहा, खड़ा हो जाए मुकदमा लिखवा दिया जाता है,
सारी चीजें, ठीक सब चीजें संविधान से तो हो नहीं रही हैं, ठीक तो ये सारी चीजें पे गौर करना चाहिए अमिताभ जी। जी अशोक जी ने बिल्कुल दो तीन बात आनंद आ रहे हैं। उन्होंने एक मेरे प्रश्न पर भी प्रश्न खड़ा किया, अच्छा है। मैं दो छोटी छोटी टिप्पणियां करके आनंद दुबे फिर बाकी उत्तर देंगे जो वो भाजपा के लिए कह रहे हैं। मेरा वो मौलिक प्रश्न वहीं खड़ा है, एक कत्ल हो, एक छीन रहजनी का केस हो और पुलिस आपको कहे रुक और आप पलट के मोटरसाइकिल पर पीछे मुंह करके, एक लड़का चला रहा आपने पीछे मुंह किया और सट से फायर ठोका, चाहे देसी तमंचा से चाहे इंग्लिश से, तो पुलिस गोली चलाएगी। उसमें ठाकुर मरे, बनिया मरे, अहीर मरे, काछी मरे, कुर्मी मरे, ब्राह्मण मरे, हिंदू मरे, मुसलमान मरे, ये सियासी पार्टियां कितना भी स्यापा करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और पड़ना भी नहीं चाहिए। क्या पुलिस को तो चुनाव लड़ना नहीं? दूसरी बात कहूँ, कहेंगे अशोक जी ने एक बात, ये बात वो हर बहस में उठाते हैं, उनके ये विषय उनके मन का विषय है, उनकी आत्मा को शायद छूता है कि वाइस चांसलर्स की नियुक्ति हुई। अरे वाइस चांसलर की नियुक्ति, मास्टर की नियुक्ति, चपरासी की नियुक्ति, कंपाउंडर की नियुक्ति तो छोटी नियुक्ति है। आपने कहा एक ही जात के, मैं उस बहस में नहीं जा रहा। मैं तो ऐसा उदाहरण रख दूंगा जो हिमालय के समान है, उसके बाद जितने उदाहरण आएंगे वो मिनिएचर हो जाएंगे। अशोक जी, चार बार आपके घर सरकार रही, कुर्सी रही सीएम की, क्या क्या संविधान में लिखा कि चारों बार कुर्सी पर केवल एक ही जाति का व्यक्ति बैठेगा? नहीं ना। आपके पास उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टरशिप चार बार आई और चारों बार यादव बैठे, कहीं लिखा है कहीं? ये संतुलन है, ये समावेशी राजनीति है, ये पीडीए भी है क्या? तो इसमें दलित कहां है, आदिवासी कहां है, अल्पसंख्यक कहां है? ये नहीं चलेगा महाराज। कम से कम चार वर्ग तो चार बार भी निपटा देते, एक बार में पिछड़ा हो जाता, एक बार में दलित, एक बार में मुसलमान, एक बार में आदिवासी, तो हम आपकी तारीफ में खड़े होकर ताली बजाते। हम कहते बाना अशोक जी की पार्टी सच्ची पीडीए वाली पार्टी है। नहीं ना मित्र। और अतीक के लड़के ने मर्डर किया तो मारा, और मुठभेड़ में अतीक का लड़का पुलिस पे गोली चलाए तो मारा, क्या राम सजी बन जाएगा? अतिक लड़का नहीं मर जाएगा? गजब हाल है। बोले इसलिए ना मारो चुकी है, ऐसा नहीं चलता महाराज। जिसके यहां डकैती डाली उसका भी कोई मानवाधिकार है कि नहीं है? अब मान लो वहां दो चार सटका देते हैं गुंडे, तब उनका मानवाधिकार नहीं है? मेरी नाराजगी वहीं पर खड़ी होती है कि जवाहर बाग में जो अंदर कब्जा किए थे उनके साथ आप खड़े हो, और जवाहर बाग के अंदर की गोली और गोलों से जो पुलिस वाले शहीद हुए उनकी चर्चा आप नहीं करते हो। वो हमारे लोग नहीं थे क्या? खैर आनंद दुबे जी, आपने समाजवादी पार्टी को सुना, वो कह रहे हैं कि ये संविधान कानून व्यवस्था मर्यादा इन सब के विरुद्ध जाके एनकाउंटर राज हो रहा है, जिसको हम अखिलेश जी की भाषा में कहें तो ठोको राज चल रहा है, और एसटीएफ मतलब ठाकुर स्पेशल ठाकुर फोर्स। वही मुझे लग रहा मूल बात अशोक जी भी कह रहे हैं जो अखिलेश जी कह रहे हैं। अमिताभ जी, मैं सिलसिलेवार तरीके से इनका जवाब दूंगा। पहले इन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया। अब अमिताभ जी, ये बताने की आवश्यकता तो है नहीं कि विधानसभा चुनाव से पहले जिन्ना का नाम किसने लिया और जिन्ना की तारीफ किसने की थी? ये अखिलेश यादव जी ने किया था, हमने तो नहीं किया था। जब हमारे देश की सेनाओं ने पाकिस्तान पर सर्जिकल और एयर स्ट्राइक किया तो सबूत मांगने का काम हमारी पार्टी ने तो नहीं किया था, ये इन्हीं की पार्टी ने किया था। और आगे बढ़ते हैं, आज भी राहुल गांधी जो इनके इंडी गठबंधन के मुखिया हैं, उन्हीं के पीछे सब चल रहा है। उनके बयान का समर्थन कौन कर रहा है? पाकिस्तान के नेता कर रहे हैं। आतंकवादी पन्नू किसके साथ खड़ा है? गांधी के साथ खड़ा है, जिसकी छत्र छाया में अखिलेश जी चल रहे हैं। तो ये तो रहा पाकिस्तान की बात। अब मैं इसको एक और उदाहरण देना चाहता हूं, कैसे ये अपराधियों के साथ खड़े होते। प्रतापगढ़ में एक अल्पसंख्यक समुदाय का डीएसपी
शहीद हो गया, नाम था जियाउल हक, अमिताभ जी याद होगा, उसके हत्या में जो नामजद अभियुक्त था उसका नाम था गुलशन यादव, और उस गुलशन यादव को समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाकर चुनाव लड़ाया विधानसभा। को पावर्ड बाय टेक्नो।